Hey guys, welcome back to CMA Junction. ये हमारी video series for customs law का 11th lecture है, जिसमें हम अपना chapter import and export procedure continue करने वाले हैं. इससे पहले वाले lecture में हमने import procedure start किया था, जिसमें हमने जो last topic देखा था, वो warehousing देखा था. उसको just start किया था हमने, जिसमें हमने देखा with effect from 14/5/2016 as per section 2 subsection 43 of the custom act 1962 warehouse का मतलब होगा public warehouse licensed under जिसका license किसके अंदर है section number 57 के अंदर private warehouse जिसको license किसके अंदर है section number 58 और special warehouse जो कि section number 58A में है ठीक है अब next देखिए कुछ features दिए हुए हैं of warehouse Importer can defer payment of import duties by storing the goods in a safe place. आप अपना जो भी import duty है उसको defer कर सकते हैं. Defer मतलब अभी ना payment करके बाद में payment करना. ठीक है? और अपने goods को safe place में store भी कर सकते हैं. ठीक है? तो ये होता है आपका क्या? Warehouse का benefit कि आप जो भी आपकी duty है वो बाद में payment करें जब आप warehouse से product को import किए हुए products को छुड़ा के लेके जाएंगे. ठीक है? Next, importer allowed doing manufacturing in bonded warehouse and then re-exporting from it. अगर कोई importer जैसे कि A है जिसने product import किया from USA, ठीक है? Product import करने के बाद इसने warehouse में इस product को रखा, ठीक है? Warehouse में manufacturing या फिर related work किया related to जो भी product उसने मंगाया था और फिर बाद में उसको export कर दिया वहीं से. तो ये वेयरहाउस में रखने का उनको बेनिफिट हो जाता है कि उनको जगह की प्रॉब्लम नहीं होती इंपोर्टर अलाउड डूइंग मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है वो बॉन्डेड वेयरहाउस में और वहीं से री एक्सपोर्ट कर सकता है उस प्रोडक्ट को नेक्स्ट इंपोर्टर कैन बी अलाउड टू कीप द गुड्स अप टू वन ईयर विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फ्रॉम द डेट ही डिपॉजिटेड द गुड्स इन टू वेयरहाउस ये कैन बी अलाउड है ये अलाउ हमेशा किया जाएगा ऐसे नहीं है ये अलाउ किया जा सकता है कितने साल तक एक साल तक विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप अपने गुड्स को कहाँ रख सकते हैं वेयरहाउस में रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है थ्री इयर्स के लिए किसके लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए और टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है फाइव ईयर्स के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए अगर वो कैपिटल गुड है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है ठीक है जो अगर नॉर्मल गुड्स ले रही है ठीक है नॉर्मल गुड्स इंपोर्ट कराएं तो उनके लिए वो थ्री इयर्स तक वो वहाँ रख सकती हैं कहाँ पे वेयरहाउस में विथआउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी और अगर कैपिटल गुड्स हैं तो उसको वो फाइव इयर्स के लिए रख सकती है कौन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स फाइव इयर्स के लिए रख सकती हैं विथआउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी नेक्स्ट इम्पोर्टर मिनिमाइजेज द चार्जेस बाय कीपिंग इन अ वेयरहाउस अदरवाइज द डीमरेक चार्जेस एट पोर्ट इज हैवी इम्पोर्टर मिनिमाइज कर सकता है अपना चार्जेस वेयरहाउस में रख के अगर आप उस प्रोडक्ट को अगर आप नॉर्मल पोर्ट में ही छोड़ देंगे तो पोर्ट में आपको डीमरेज चार्जेस लगते हैं जो कि ज़्यादा हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू वेयरहाउस चार्जेस ठीक है नेक्स्ट है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टमर आर कम्पिटेंट टू अपॉइंट अ वेयरहाउस एज पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस तो असिस्टेंट कस्टमर या फिर डिप्यूटी कमिश्नर अपॉइंट करेगा क्या पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस नेक्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है प्राइवेट वेयरहाउस को और लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है वन मंथ नोटिस दिए के ठीक है तो अगर आपको प्राइवेट वेयरहाउस का अगर कमिश्नर्स को क्या करना है वेयरहाउस का लाइसेंस कैंसिल करना है तो वन मंथ पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा ठीक है ओनली ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी डिपॉजिटेड इन द वेयरहाउस अगर उन पर ड्यूटी चार्ज नहीं होती है एग्जेम्प्ट है तो उनको आप नहीं रख सकते ड्यूटी चार्ज हो रही है तभी आप उसको वेयरहाउस पे रख सकते हैं नेक्स्ट है ग्रीन बिल ऑफ एंट्री हैज टू बी सबमिटेड बाय द इम्पोर्टर टू क्लियर गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस फॉर होम कंजम्पशन आप अगर होम कंजम्पशन के लिए अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा ग्रीन बिल ऑफ एंट्री नेक्स्ट है रेट ऑफ ड्यूटी इज एप्लीकेबल एज ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री दैट इज सब बिल ऑफ एंट्री और एक्स बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जब आप गुड्स को वेयरहाउस से होम कंजम्पशन के लिए लेके जाते हैं ठीक है तो उस केस में आपको या तो उसको आप सब बिल ऑफ एंट्री बोलिए या एक्स बॉन्ड बिल बोलिए ये देना पड़ता है और इस दिन पे जो रेट ऑफ ड्यूटी रहती है ठीक है वो रेट ऑफ ड्यूटी आपसे चार्ज की जाएगी जिस दिन आपने होम कंजम्पशन के लिए एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री या सब बिल ऑफ एंट्री सबमिट किया है उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट रीअसेसमेंट इज नॉट अलाउड आफ्टर द इम्पोर्टेड गुड्स ओरिजिनली असेस्ड इन वेयरहाउस अगर आप इम्पोर्टेड गुड्स को असेस करा चुके हैं ओरिजिनली और वेयरहाउस में रख चुके हैं तो उसका रीअसेसमेंट आपको अलाउड नहीं है
Next, exchange rate is the rate at which bill of entry into bond is presented for warehousing. Warehouse में जब आप product को रखते हैं तो उस समय आपको क्या देना पड़ता है, एक bill of entry जिसको into bond बोला जाता है, into bond bill of entry, ठीक है. तो ये bill of entry आपको देना पड़ता है और ये इसी दिन का जो exchange rate होगा, जब आप into bond bill of entry देंगे उस दिन का जो bill of exchange rate होगा वही exchange rate आपकी duty पे लगेगा, ठीक है. इसको क्या बोला जाता है, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री. जब आप वेयरहाउस में प्रोडक्ट को रखते हैं अपना, तो आपको इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री सबमिट करना पड़ता है. नेक्स्ट, इफ द गुड्स विच आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द वेयरहाउस विद इन द परमिसेबल पीरियड देन सब्सिक्वेंट रिमूवल कॉल्ड इम्प्रॉपर रिमूवल. द रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी विच इज एप्लीकेबल ऑन द लास्ट डे ऑन विच द गुड्स शुड बी रिमूव्ड बट नॉट रिमूव्ड इज एप्लीकेबल. देखिए, अगर आपने जब तक वेयरहाउस में रखना आपका परमिसेबल था, ठीक है, उस पीरियड में आपने गुड्स को नहीं निकाला वेयरहाउस से, ठीक है, उसके उस पीरियड के ख़त्म होने के बाद अगर आपने निकाला, तो जो भी आपके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो रिमूवल की जो एप्लीकेबल डेट होगी, एक्चुअल डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन आपने नहीं निकाला वो डेट में जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी वही बेसिक कस्टम ड्यूटी आपसे चार्ज की जाएगी. नेक्स्ट, विथ इफेक्ट फ्रॉम 14/5/2016 सेक्शन 59 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 bond amount has been increased from twice of the duty amount to thrice of the duty amount and security also will have to be given. Bond amount क्या है, जब आप warehouse में अपने products रखते हैं, ठीक है, तो आपको bond amount रखा जाता है. means अगर आपने warehouse से goods नहीं लेके गया या amount नहीं pay किया गया जितना period of time बताया गया उसमें, तो आपसे amount, जितना भी duty का amount है वो पहले क्या हुआ करता था, ट्वाइस द ड्यूटी अमाउंट, मतलब जितना भी ड्यूटी का अमाउंट होगा उससे डबल चार्ज किया जाएगा, ठीक है. और अब वो चेंज करके थ्राइस द ड्यूटी अमाउंट हो गया, मतलब अब आपको तीन गुना ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा. अगर आप एक रुपये आपका ड्यूटी है तो आप थ्री रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है, वन रुपीज़ के चार्ज पर आप थ्री रुपीज़ आप देंगे, ठीक है. और आपको इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा, ठीक. अब जो है, अब कुछ और चेंजेस आ गए हैं. पहले क्या किया जाता था, रेंट का अमाउंट भी जो कस्टम वाले हैं वही चार्ज करते थे, रेंट किसका, वेयरहाउस का. लेकिन अब ये जो रेंट है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि रेंट को चार्ज करने का ड्यूटी किसका बनता है, वेयरहाउस वालों का, जो वेयरहाउस संभालते हैं, तो इसकी ड्यूटी कस्टम्स वालों की, डिपार्टमेंट की नहीं बनती है. तो नाउ रेंट चार्जेस क्लेमेबल विल नॉट बी प्री रिक्विजिट फॉर नॉन कंप्लेंस ऑफ एनी प्रोविजन. अगर आपने रेंट चार्जेस नहीं पे किए हैं वेयरहाउस के, तो उसमें आपने प्रोविजन कंप्लेंस नहीं किया ऐसा कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि जो आपका रेंट चार्जेस है वो किसका इशू है, कस्टडियन का, जैसे ओनर ऑफ द वेयरहाउस का. ओनर ऑफ द वेयरहाउस जाने की उसको कितना रेंट चार्ज करना है, वो कैसे रेंट निकालेगा, वो सब उसकी बात है, ठीक है. नेक्स्ट है लाइसेंसिंग ऑफ पब्लिक वेयरहाउसिंग. पब्लिक वेयरहाउसिंग किसमें, सेक्शन नंबर 57. कौन देगा इसको लाइसेंस, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम, कुछ कंडीशंस लगा के प्रिस्क्राइब, वो कंडीशंस को प्रिस्क्राइब करेगा, उस हिसाब से वो लाइसेंस दे सकता है पब्लिक वेयरहाउस का, जहाँ पे ड्यूटीएबल गुड्स डिपॉजिट किए जा सकते हैं. नेक्स्ट, लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट वेयरहाउस. प्राइवेट वेयरहाउस को भी लाइसेंस दिया जा सकता है, किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 58 के अंदर, जिसके अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है. लाइसेंस ऑफ प्राइवेट वेयरहाउस, जहाँ पे आप ड्यूटीएबल गुड्स इम्पोर्टेड जो हुए हैं उनको रख सकते हैं, ठीक है, किसके भी आप में रखेंगे, और ऑन बिहाफ ऑफ द लाइसेंसी मे बी डिपॉजिट, तो इस जगह पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं ड्यूटीएबल गुड्स जो आपने इम्पोर्ट किए हैं. नेक्स्ट, लाइसेंसिंग ऑफ स्पेशल वेयरहाउसिंग. सेक्शन नंबर 58A(1), द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स मे सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब लाइसेंस अ स्पेशल वेयरहाउस वेयर इन ड्यूटीएबल गुड्स मे बी डिपॉजिटेड एंड सच वेयरहाउस शुड बी कॉल्ड टू बी लॉक्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर एंड नो पर्सन शैल एंटर द वेयरहाउस और रिमूव एनी गुड्स देयर फ्रॉम विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर. ये क्या बोल रहा है, 58A(1) का कौन देगा आपको लाइसेंस, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम, जिसमें ये लाइसेंस के लिए आपको कुछ कंडीशंस लगा देंगे, उस कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा, जो लाइसेंस है स्पेशल वेयरहाउस का, ठीक है, जहाँ पे आप ड्यूटीएबल गुड्स रखेंगे और वो वेयरहाउस लॉक करेगा प्रॉपर ऑफिसर, और कोई भी पर्सन बिना प्रॉपर ऑफिसर के परमिशन के उस वेयरहाउस को खोल नहीं सकता, वहाँ एंटर नहीं कर सकता और वहाँ से कोई भी गुड्स निकाल नहीं सकता, ठीक है. अब ये जो आपके स्पेशल वेयरहाउस हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल गुड्स ही रखे जाएंगे, ठीक है,
तो उसको कौन स्पेसिफाई करेगा? द बोर्ड में बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के स्पेसिफाई किया जा सकता है कि कौन से क्लास ऑफ गुड्स होंगे जो कि डिपॉजिट किए जाएंगे स्पेशल वेयर हाउस में. ठीक है, तो ये गुड्स को आपको बताया गया है. ये हमने देख लिया. 58A2 बोल रहा है कि नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में हम वेयर हाउस, स्पेशल वेयर हाउस में कौन कौन से गुड्स रखे जाएंगे वो बताएंगे, कौन से क्लास ऑफ गुड्स होंगे. तो सीबीआईसी ने नोटिफिकेशन नंबर 66/2016 में कस्टम नोटिफिकेशन डेटेड 14/5/2016 के हिसाब से नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया कि कौन से स्पेशल वेयर हाउस में गुड्स रखे जाएंगे. तो जो भी गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रीशियस मेटल, सेमी प्रीशियस मेटल और आर्टिकल्स होंगे उनको रखा जाएगा. ऑफकोर्स ये बात है, स्पेशल वेयर हाउस है जिसको लॉक भी किया जाएगा, मतलब वहाँ पर ऐसे जो कीमती सामान होंगे उन्हीं चीज़ों को रखा जाएगा. तो गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रीशियस मेटल एंड सेमी प्रीशियस मेटल और आर्टिकल्स यहाँ रखे जाएंगे. गुड्स वेयर हाउस फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई ऑफ टू DFS दैट इज ड्यूटी फ्री शॉप्स को सप्लाई करने के लिए कस्टम एरिया में. कस्टम एरिया में ड्यूटी फ्री शॉप्स होते हैं जहाँ से प्रोडक्ट में ड्यूटीज नहीं लगती हैं. ठीक है, तो वो गुड्स को वेयर हाउस किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप्स. ड्यूटी फ्री शॉप्स को सप्लाई करना है तो वो भी स्पेशल वेयर हाउस में रखाए जाएंगे. नेक्स्ट, सप्लायर्स स्टोर्स टू वेसल और एयरक्राफ्ट. कुछ स्टोर्स हैं किसके, वेसल और एयरक्राफ्ट के, अंडर चैप्टर 11 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, वो भी प्रोडक्ट्स वहाँ रखाएंगे. नेक्स्ट, सप्लाई टू फॉरेन प्रिविलेज पर्सन. फॉरेन प्रिविलेज पर्सन का कोई प्रोडक्ट है जो उसने खुद मंगाया, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन प्रिविलेज पर्सन रूल्स 1957, तो वो सब भी कहाँ रखे जाएंगे, स्पेशल वेयर हाउस में. नेक्स्ट, प्रिविलेज पर्सन को डिफाइन किया गया है. प्रिविलेज पर्सन मीन्स अ पर्सन एंटाइटल टू इम्पोर्ट और परचेस लोकली फ्रॉम बॉन्ड गुड्स फ्री ऑफ ड्यूटी फॉर हिज पर्सनल यूज और फॉर द यूज ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और फॉर ऑफिशियल यूज इन हिज मिशन, कंसुलर पोस्ट और ऑफिस और इन डिप्यूटी हाई कमीशन और असिस्टेंट हाई कमीशन. प्रिविलेज पर्सन ऐसा पर्सन है जो कि इम्पोर्ट कर सकता है या परचेस कर सकता है लोकली, कहाँ से, बॉर्न गुड से, फ्री ऑफ ड्यूटी, जिसके ऊपर ड्यूटी नहीं चार्ज की जाएगी. वो किस चीज़ के लिए खरीदेगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर अपने मेंबर्स के लिए या फिर अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए. कहाँ के लिए, आपने एम्बेसी सुना होगा, तो एम्बेसी के लोगों का, एम्बेसी में कौन बैठता है? अगर पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है तो वहाँ पर कौन बैठेगा, पाकिस्तान का कोई पर्सन. ठीक है, तो वो अगर वहाँ से कोई सामान मंगा रहा है तो उस केस में वो ड्यूटी फ्री रहेगा. ठीक है, और वो भी स्पेशल वेयर हाउस में रखाया जाएगा. नेक्स्ट, ड्यूटी फ्री शॉप्स ये क्या होते हैं? इन द एयरपोर्ट नीड नॉट बी अ लाइसेंस एज वेयर हाउस अंडर सेक्शन 58A. जो ड्यूटी फ्री शॉप्स है उनको वेयर हाउस के जैसे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है 58A के अंदर. तो ड्यूटी फ्री शॉप्स लोकेटेड इन कस्टम एरिया शुड नॉट बी ट्रीटेड एज वेयर हाउस. उनको वेयर हाउस ट्रीट नहीं किया जाएगा. इनफैक्ट इट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेल. ये एक सेल का पॉइंट है जहाँ पे गुड्स बेचे जाते हैं. एक्स बॉन्डेड आर टू बी सेल फॉर द गुड्स विच आर टू बी एक्स बॉन्डेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम अ वेयर हाउस. अगर कोई गुड्स को रिमूव करना है, ठीक है, उसका जो भी इम्पोर्टर है उसने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको रिमूव करना है, तो वो कहाँ दिया जाता है, ड्यूटी फ्री शॉप्स में, वहाँ से वो प्रोडक्ट सेल आउट होता है. ठीक है, फॉर बींग बॉट टू अ DFS इन द कस्टम एरिया फॉर सेल टू एलिजिबल पर्सन. एलिजिबल पर्सन कौन होगा? इंटरनेशनल पैसेंजर अराइविंग और डिपार्चिंग फ्रॉम इंडिया, उनको बेचा जाएगा ये प्रोडक्ट. ड्यूटी फ्री शॉप्स कहाँ होते हैं? ये शॉप्स आपके नॉर्मली एयरपोर्ट्स में होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस सेक्शन नंबर 58B विद इफेक्ट फ्रॉम 14/5/2016. कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, किस लाइसेंस की बात की जा रही है? लाइसेंस ऑफ वेयर हाउस. ठीक है, वेयर अ लाइसेंस कॉन्ट्रवेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. इस एक्ट के कोई भी प्रोविजन को वो कॉन्ट्रवेंट करता है या रूल को कॉन्ट्रवेंट करता है, रेगुलेशंस को कॉन्ट्रवेंट करता है या फिर उनको ब्रीच करता है, कोई भी कंडीशन जिसके बिहाफ में उसको लाइसेंस दिया गया था, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम या कमिश्नर ऑफ कस्टम कैंसिल कर सकता है उसका लाइसेंस अंडर सेक्शन 57, 58 और 58A. मतलब 57, 58 और 58A के अंदर आपको जो भी लाइसेंस मिला हो वो कैंसिल किया जा सकता है अगर आप कोई भी कंडीशंस को ब्रीच करते हैं या फिर आप कोई भी एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंट करते हैं, रूल्स को कॉन्ट्रावेंट करते हैं या रेगुलेशंस को कॉन्ट्रावेंट करते हैं. Provided that before any license is cancelled, the licensee shall be given a reasonable opportunity of being heard. जिस भी warehouse का, जिसने भी license लिया है, उसका license cancel करने से पहले आपको उसको क्या देना पड़ेगा? Opportunity of being heard. ठीक है? The principal commissioner of custom or commissioner of customs
may without prejudice to any other action that may be taken against the licensee and the goods under this act or under any other law, for the time being in force, suspend operation of the warehouse during the pendency of an inquiry under subsection 1. देखिए अब कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस के लिए यहाँ पे हो गया कि आपने कॉन्ट्रावेंट किया है. अब क्या हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम आपका क्या कर सकता है, जो भी लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर सकता है. सस्पेंड कब किया जाएगा, जब इसके ऊपर क्या चल रहा है, आपके ऊपर इंक्वायरी चल रही है कि आपने कॉन्ट्रावेंट किया है कि नहीं, आपने ब्रीच किया है कि नहीं किसी भी कंडीशन या फिर एक्ट का. ठीक है, तो उस केस में आपका जो भी लाइसेंस होगा वो सस्पेंड कर दिया जाएगा. विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी अदर एक्शन, कोई और एक्शन लिए बिना लिया जा सकता है पर ये एक्शन तो लिया ही जाएगा. मे बी टेकन अगेंस्ट द लाइसेंसी एंड द गुड्स अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ द वेयरहाउस. वेयरहाउस का ऑपरेशन आप सस्पेंड कर सकते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी, जब उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है. वेयर द ऑपरेशन ऑफ अ वेयरहाउस इज सस्पेंडेड, जहाँ पे वेयरहाउस का ऑपरेशन सस्पेंड हो गया है, कोई भी गुड्स उस वेयरहाउस में डिपॉजिट नहीं किए जाएंगे उस पीरियड ऑफ सस्पेंशन के टाइम पे. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल कंटिन्यू टू अप्लाई द गुड्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन द वेयरहाउस. इस चैप्टर के सारे प्रोविजंस किसके ऊपर अप्लाई होंगे, जो गुड्स पहले से ही उस वेयरहाउस में है. देखिए वेयरहाउस में क्या बोला गया, जिसका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है या सस्पेंड हो रहा है उस केस में उसमें नए गुड्स आप डिपॉजिट नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन उसके पास पहले से गुड्स तो होंगे ना, जो इम्पोर्ट किए हुए गुड्स वेयरहाउस में रखे गए होंगे, उन गुड्स के ऊपर अभी भी इस एक्ट के सारे सेक्शंस और प्रोविजंस सारे फुल लगेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, वेयर द लाइसेंस इज इशूड अंडर सेक्शन 57, 58 और 58A इज कैंसल्ड, द गुड्स वेयरहाउस शैल विथिन 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर ऑफ सच कैंसलेशन इज सर्वड ऑन द लाइसेंसी और विथिन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज द प्रॉपर ऑफिसर मे अलाउ बी रिमूव्ड फ्रॉम सच वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस और क्लियर फॉर होम कंजम्पशन और एक्सपोर्ट. क्या बोल रहा है, देखिए अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया 57, 58 या 58A के अंदर, तो उस केस में उस वेयरहाउस से सारे गुड्स निकाल लिए जाएंगे 7 दिन के अंदर. ठीक है, या फिर ये टाइम को इंक्रीज किया जा सकता है. ठीक है, या फिर सच अदर टाइम जो कि एक्सटेंड करेगा प्रॉपर ऑफिसर. ठीक है, और ये सारे गुड्स को निकाल के या तो दूसरे वेयरहाउस में डालो, या तो इनको क्लियर करो होम कंजम्पशन के लिए, या तो इनको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करो. ठीक है, provided that the provision of this chapter shall continue to apply to the goods already deposited in the warehouse till they are removed. जब तक आप goods को warehouse से नहीं निकालते, जिस warehouse का cancellation चल रहा है of license, उस case में जब तक वो goods नहीं निकलते हैं तब तक उनके ऊपर इस chapter का provisions लगता रहेगा. तब तक वो remove होकर दूसरे warehouse में या फिर home consumption या फिर export के लिए नहीं जाते हैं. Period for which goods may remain warehouse with effect from 14/5/2016. कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप गुड्स को वेयरहाउस में रख सकते हैं. ठीक है, सेक्शन नंबर 61 देखिए उसके लिए. सेक्शन नंबर 61 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, एनी वेयरहाउस गुड्स मे रिमेन इन द वेयरहाउस इन विच दे आर डिपॉजिटेड और इन एनी वेयरहाउस टू विच दे मे बी रिमूव्ड. कब तक रह सकते हैं वो आगे देखिए. इन द केस ऑफ कैपिटल गुड्स, पहले हमने देखा कि कोई भी गुड्स जो कि वेयरहाउस किए गए हैं वो वेयरहाउस में रह सकते हैं या फिर किसी और वेयरहाउस में रह सकते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक, जब तक वो रिमूव नहीं होते हैं. इन द केस ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर वो कैपिटल गुड्स हैं और यूज़ करना है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, कैपिटल गुड्स है, किसके लिए इम्पोर्ट किए गए हैं, इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूनिट, सॉरी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट और एनी वेयरहाउस वेयर इन मैन्युफैक्चर और अदर ऑपरेशंस हैव बीन परमिटेड अंडर सेक्शन 55 टिल द क्लियरेंस फ्रॉम द वेयरहाउस. देखिए ये ऐसे कैपिटल गुड्स हैं जिनको आप कभी तक भी कहाँ रख सकते हैं, वेयरहाउस में. ठीक है,
कितने भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेयरहाउस में रखा जा सकता है। बस ये या तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए यूटिलाइजेशन में आने चाहिए ये कैपिटल गुड्स, या फिर ये गुड्स इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट के लिए यूटिलाइजेशन का होना चाहिए, या फिर ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट के लिए होना चाहिए, या फिर ये ऐसे गुड्स होना चाहिए जिन पे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, वेयरहाउस में हो रही है, या फिर कोई और ऑपरेशन चल रहा है वेयरहाउस में जो कि परमिट किया गया अंडर सेक्शन 65 जब तक वो क्लियरेंस नहीं करते हैं वेयरहाउस से। ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया किसके लिए, हमने कैपिटल गुड्स का देख लिया। अब अदर देन कैपिटल गुड्स सेम उन्हीं लोगों के लिए, अगर अदर देन कैपिटल गुड्स है इंपोर्ट किया गया है फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, तो इस केस में या फिर वो वेयरहाउस में रखने के लिए जहाँ पे मैन्युफैक्चर या अदर ऑपरेशन चल रहा है अंडर सेक्शन 65, ठीक है, टिल दे आर कंज्यूम्ड और क्लियरेंस फ्रॉम द वेयरहाउस, तो इन गुड्स को भी अदर देन कैपिटल गुड्स को भी अगर आप इन पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो गुड्स भी आप वेयरहाउस में कितने भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ एनी अदर गुड्स के लिए क्या है, टिल द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 60। वन ईयर तक का इसमें टाइम दिया गया है, कब से, सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 में जो अगर प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करता है उसके बाद। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी गुड्स रिफर टू इन दिस क्लॉज द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम मे ऑन सफिशियंट कॉज बींग शोन एक्सटेंड द पीरियड फॉर विच द गुड्स मे रिमेन इन द वेयर हाउस बाय नॉट मोर देन वन ईयर एट अ टाइम। ठीक है, तो ये जो आपने थर्ड पॉइंट पढ़ा इसमें ये गुड्स की जो वैलिडिटी है फॉर वेयर हाउस में रखने के लिए वो एक्सटेंड किया जा सकता है, कौन करेगा, प्रॉपर ऑफिसर, सॉरी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम करेगा सफिशियंट कॉस्ट पे, और ये पीरियड एक बार में आप एक साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच गुड्स आर लाइकली टू डिटोरिएट, मतलब उनका खतरा है कि वो ख़राब हो सकते हैं, ऐसे गुड्स हैं जो कि जल्दी डिटोरिएट हो जाते हैं, तो उनका जो पीरियड रेफर्ड इन फर्स्ट प्रोविजो मे बी रिड्यूस बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर, मतलब जो आपने एक्सटेंडेड पीरियड किया है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कौन करेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम, उस शॉर्टर पीरियड के लिए जो उनको सही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेयर एनी वेयर हाउस गुड्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 दैट इज दिस वन, जो कि ना ही जो कि रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए रिमेन इन अ वेयर हाउस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 90 डेज वेयर एनी वेयर हाउस गुड्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी रिमेन इन वेयर हाउस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 60 इंटरेस्ट शैल बी पेबल एट सच रेट एज मे बी फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 47। ये क्या बोल रहा है, देखिए क्लॉज सी में तो बोल दिया एक साल तक रख सकते हो, लेकिन आपका जो सेक्शन सबसेक्शन 2 है ऑफ सेक्शन 61 ये क्या बोल रहा है कि अगर ये क्लॉज सी वाले गुड्स तुम 90 डेज से ज़्यादा वेयर हाउस में रखते हो तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट जो पेबल होगा वो फिक्स कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा अंडर सेक्शन नंबर 47 जो कि अभी 15% है ऑन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेट 90 डेज, मतलब इस 90 डेज खत्म होने के बाद जितने भी दिन आप एक्स्ट्रा वेयर हाउस में रखेंगे उस पीरियड के लिए आपको क्या पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द बोर्ड कंसिडर्ड इट नेसेसरी सो टू डू इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये सही है तो वो ऐसा भी कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से और एक्सेप्शनल नेचर के हिसाब से, और स्पेसिफाई कर सकती है ऑर्डर में कि वो वेव करेगी इंटरेस्ट होल या फिर पार्ट, कुछ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर पूरा इंटरेस्ट वो वेव कर देगी, वेव मतलब पूरा इंटरेस्ट अपना हटा देगी, कुछ भी इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा। अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वेयर हाउस गुड्स, कोई भी वेयर हाउस गुड्स पे वो ऐसे कर सकती है लेकिन एक्सेप्शनल नेचर का होना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट में वो होना चाहिए। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन पास कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में और स्पेसिफाई कर सकती कुछ क्लास ऑफ गुड्स में जिसमें वो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। नोटिफिकेशन पास कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में और स्पेसिफाई कर सकती है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स जिसमें इंटरेस्ट चार्ज करेगी फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर, मतलब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज होगा, जब से आपका 60 सबसेक्शन 1 में ऑर्डर पास हुआ उस दिन से लेके पूरा जब तक आप नहीं करते तब तक इंटरेस्ट चार्ज होगा। नॉर्मल केस में क्या होता है,
60 सबसेक्शन 1 के बाद 90 डेज का टाइम दिया जाता है जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि 60 सबसेक्शन 1 के ऑर्डर के बाद आपका इंटरेस्ट चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो ये जो दोनों है उसमें आपका इंटरेस्ट का रिमूवल किया जा रहा था, यहाँ पे इंटरेस्ट आपका बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन वेयर हाउस गुड्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 14/5/2016। कुछ वेयर हाउस गुड्स के एप्लीकेबिलिटी बताइए कि उन पर इंटरेस्ट कैसे लगता है। देखिए, वेयर हाउस गुड्स असेसी अदर देन EOU दैट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ESTP दैट इज इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, और STPU दैट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, ठीक है। इनके लिए क्या होगा, अगर वेयर हाउस किया गया पीरियड लेस देन 90 डेज अदर देन असेसीज हैं, ठीक है। तो EOU, ESTP और STP को छोड़ के कोई और असेसी है तो उसके केस में अगर 90 डेज से कम के लिए आपने वेयर हाउस में रखा है या फिर उसके इक्वल पीरियड के लिए रखा है तो नो इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन आपने 90 डेज से ज़्यादा के लिए लगा है तो आपने फिर 15% इंटरेस्ट पे कर देना पर एनम। नेक्स्ट, असेसी जो है वो EOU, ESTP या STP यूनिट्स का है तो उस केस में चाहे वो इनपुट हो या स्पेयर हो या कंज्यूमेबल हो या कैपिटल गुड हो, जब तक उनका क्लियरेंस नहीं होता तब तक वो रख सकते हैं और इसमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विथ इफेक्ट फ्रॉम 14/5/2016 कंट्रोल ओवर वेयर हाउस गुड्स हैज बीन ओमिटेड। क्या बोल रहा है ये पॉइंट, वेयर हाउस गुड्स पे कंट्रोल ओमिट कर दिया गया है। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, नाउ देयर विल बी अ रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल ऑन सच वेयर हाउस। रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल रखा जाएगा वेयर हाउस पे एक्सेप्ट फॉर वेयर हाउस सेटअप। वेयर हाउस सेटअप पे पूरा ध्यान दिए बिना अंडर सेक्शन 58A के अंदर, मतलब स्पेशल वेयर हाउस। यहाँ पे क्या हो रहा था, पूरा लॉक लगा के रख रहा था वो, ठीक है, और वो उसके बिना कोई और प्रॉपर ऑफिसर के बिना कोई और खोल नहीं सकता था उसको, ठीक है। लेकिन अब उसको हटा दिया गया है और यहाँ पे कोई भी MOT चार्जेस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब MOT चार्जेस मतलब मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस कब भी पेमेंट किए जाते हैं, जब आप ऑफिस आवर्स से ज़्यादा कुछ काम कराते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी ऑफिसर से ऑफिस आवर्स से ज़्यादा काम कराते हैं तो उस टाइम पे आपको मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो उस केस में अब कोई भी नीड नहीं है कि आपको मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस पेमेंट करना है। कौन नहीं पेमेंट करेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक्सेप्ट फॉर क्लास ऑफ गुड्स जो कि नोटिफाई किए हैं अंडर सेक्शन 58A। 58A में जो नोटिफाई किया जाएगा उन क्लास ऑफ गुड्स के लिए बस मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस लगेंगे, बाकी किसी के लिए भी नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 63 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, पेमेंट ऑफ रेंट एंड वेयर हाउसेज चार्जेस। ये हमने देख लिया कि अब रेंट चार्जेस जो है वो कस्टम्स के एक्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है, वो वेयर हाउस वाला जाने और जो भी इम्पोर्टर है जिसके गुड्स वेयर हाउस में रखे गए थे वो जाने, उन दोनों के बीच का मामला है, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है, प्रियर टू 14/5/2016 क्या हुआ करता था, उस समय रेंट जो है वो कस्टम्स ही चार्ज करता था, कमिश्नर्स ही चार्ज करते थे। द ओनर ऑफ एनी वेयर हाउस गुड शैल पे टू द वेयर हाउस कीपर रेंट एंड वेयर हाउस चार्जेस एट द रेट फिक्स अंडर एनी लॉ। लॉ के अंदर रेट फिक्स किया जाता था फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, और जहाँ पे रेट फिक्स नहीं है वो रेट जो कि कमिश्नर ऑफ कस्टम्स स्पेसिफाई करेगा उस रेट में आपको रेंट पेमेंट करना पड़ता था। अगर रेंट और वेयर हाउस चार्जेस पे नहीं किए गए विद इन 10 days फ्रॉम द डेट वेन दे बिकम ड्यू, द वेयर हाउस कीपर में आफ्टर नोटिस टू द ओनर ऑफ द वेयर हाउस गुड्स, वेयर हाउस गुड्स के ओनर को वो नोटिस दे के और परमिशन लेके प्रॉपर ऑफिसर का वो उस गुड्स को सोल्ड आउट कर सकता है। एनी ट्रांसफर ऑफ वेयर हाउस गुड्स नॉट विद स्टैंडिंग सच सफिशियंट पोर्शन ऑफ द गुड्स एज द वेयर हाउस कीपर में सिलेक्ट, वो गुड्स को सिलेक्ट करके वो उसको बेच सकता है, ठीक है। ये हुआ करता था प्रियर 14/5/2016। अब ये क्या हो गया, ये पूरा सेक्शन को हटा दिया गया है, पूरा ओमिट कर दिया गया है। अब जो है जो कस्टडियन दैट इज ओनर ऑफ द वेयर हाउस है उसका खुद का इशू है, वो कैसे हैंडल करता है वो खुद जाने, और कस्टम ऑफिसर इसमें कुछ भी हैंडल नहीं करेगा। अब वेयर हाउस वाला खुद जाने कि वो कैसे करके अपने रेंट निकलवाएगा एक इम्पोर्टर से। सेक्शन नंबर 64 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, ओनर्स राइट टू डील विद वेयर हाउस गुड्स। ओनर राइट, ओनर का क्या राइट होगा कि वेयर हाउस गुड्स के साथ कैसे डील करे, तो ओनर कौन है, वेयर हाउस कीपर, ठीक है। अब देखिए, द ओनर ऑफ एनी वेयर हाउस गुड्स में आफ्टर वेयर हाउसिंग द सेम इंस्पेक्ट कर सकता है वो गुड्स को, डील विद देयर कंटेनर इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट लॉस और डिटर्मिनेशन और द डिटोरिएशन, सॉर्ट द गुड्स, शो द गुड्स फॉर सेल। सिंस फिजिकल कंट्रोल हैज बीन अबॉलिश्ड देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्टेनिंग सैंक्शन ऑन पेमेंट ऑफ
मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। तो अब फिजिकल कंट्रोल अबॉलिश कर दिया गया, इसलिए आपको मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओनर कौन है यहाँ पे? ये ओनर वेयरहाउस कीपर नहीं होगा यहाँ पे, जो इम्पोर्टर जिसके गुड्स वहाँ रखे गए हैं उसकी बात की जा रही है कि वो अपने गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, वो अपने कंटेनर्स के साथ डील कर सकता है और प्रिवेंट कर सकता है लॉस जैसा उसको सही लगता है, सॉर्ट कर सकता है गुड्स, शो कर सकता है गुड्स फॉर सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन नंबर 65 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, मैन्युफैक्चरर एंड अदर ऑपरेशंस इन रिलेशन टू गुड्स इन अ वेयरहाउस। मैन्युफैक्चरिंग और अदर ऑपरेशन आप वेयरहाउस के गुड्स पे कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में आपको 65 सेक्शन बता रहा है। प्रियर टू 14/5/2016 क्या हुआ करता था ये सेक्शन, आपको सैंक्शन लेना पड़ता था असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम या डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम से, ताकि आप उस पर कुछ कंडीशंस भी लगाए जा सकती हैं और पेमेंट ऑफ सच फीस आपको पेमेंट करने पड़ सकती है जो कि प्रिस्क्राइब की जाएगी। जो भी ओनर ऑफ वेयर हाउस गुड्स है, जिसके भी वो गुड्स हैं, वो कैरी ऑन कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर अदर ऑपरेशंस वेयर हाउस में उस गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, अब इस सेक्शन को क्या चेंज कर दिया गया, इसमें जो यहाँ पे जो विद द सैंक्शन लिखा गया था उसको परमिशन कर दिया गया, और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम और डिप्यूटी कमिश्नर को हटा के प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम रख दिया गया है। ठीक है, बाकी पूरा सेक्शन सेम है कि आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी और पेमेंट करनी पड़ेगी कुछ फीस जो कि प्रिस्क्राइब की जाएगी। जो भी ओनर है उस गुड्स का, वो उस पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या ऑपरेशंस कर सकता है वेयर हाउस में उन गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, ये क्यों किया गया है, ये अपवर्ड डेलीगेशन के लिए किया गया है। नाउ EOU ESTP यूनिट्स विल हैव टू बी ऑब्टेन लाइसेंस अंडर 58 और 65 फ्रॉम प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, ताकि वो क्या कर सके, अपने वेयर हाउस गुड्स पे ऑपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं वहीं पे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। इसके आगे के जो सेक्शंस हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and don't forget to press that bell icon to get more updates. So that's it, see you all in the next video.